क्या भाई, तू जाके भाई क्या बोलता है रैंक मैच पे कर ना, तू रैंक मैच। अच्छा ठीक है, समझ गया। Yo, what's up guys, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से The Legend Killer Gaming की एक brand new video में, जब आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं अपना प्यारा 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 सुपर सस। तो मैंने तीन बार प्यारा क्यों बोला, क्योंकि सुपर सस भाई हो चुका है सब में, सच में बहुत प्यार हो चुका है। हर दूसरे दिन मुझे एक मतलब कुछ नहीं बोलने वाला मैं तो यार। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पर हमने लगा लिया है बैक फेबर का कार्ड, क्योंकि आज हम खेलने जा रहे हैं थ्री बेस्ट न्यूट्रल्स से। जिस क्या कि हमें पता ही है थ्री बेस्ट न्यूट्रल्स बहुत सारे हैं, कि पिछली बार भी मैं एक वीडियो लाया था जिसमें ग्लूटोन ही लाया था मैं, लेकिन इस बार मैं लाऊंगा हिप्नोटिस्ट, बैकस्टेबर और अपना काइथो। भाई काइथो से बेस्ट रोल कोई है नहीं, वो तो मुझे भी पता है। खैर छोड़ो, यहाँ पर अपना गेम लग जाइए। कौन आ जाए, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है भाई, एक जगह टिक जाए यार, किसी से एक जगह टिका नहीं जाता भाई। एक हम मैं ही एक शरीफ बच्चा हूँ जो एक जगह टिका रहता है। देखो रैंक डू में जाता हूँ मैं, अब सीधे सीधे मैं रैंक खेलने लग गया भाई। रैंक डू वगैरह सब बिगाड़ है, सीधे रैंक खेलो, नॉर्मल रैंक खेलो, डेमन किंग की तरह तुम भी वीडियो चलाओ, रैंक पुश टीम ऑफ वालों के खिलाफ। वो क्या रोस्ट वीडियो, पता नहीं क्या क्या लाया था, वीडियो ऐसे देखी नहीं है मैंने, जाकर देखूंगा। सुनने में आया बहुत तारीफ हुई है डेमन किंग की। तो यहाँ पर हम बन चुके हैं डेमन किंग का फेवरेट रोल भाई। तुम्हें पता है पहले डेमन किंग सिर्फ बैकस्टेबर से ही खेलता था, हर दूसरे दिन बैकस्टेबर को उठाकर ले आता था। तो मैंने क्या कोई दिक्कत नहीं, आज हम ले आते हैं बैकस्टेबर को अपने चैनल पे। चलो भाई देखो अपने क्या करता है। तो यहाँ पर बाउंटी हंटर और निंजा आया भाई, बाउंटी हंटर आया गेम में, तो मैं सोच रही हूँ बैकस्टेबिंग कर देता हूँ यार। क्या जा रही है, बाउंटी हंटर एक मिनट में गेम खत्म कर देगा, बैकस्टेबिंग कर दूंगा अगर बाउंटी हंटर गेम खत्म करने वाला होगा तो। यहाँ पर थोड़ा सा हम अपना मतलब थोड़ा सा डांस करते हैं हम। चलो यहाँ पर इम्पोस्टर ने अपने इलेक्ट्रिकल का सेबोटाज दे दिया भैया। नाचो नाचो माचो नाचो नाचो 2000 years later। चलो यहाँ पर चलो थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, देखते हैं कौन इम्पोस्टर है। यहाँ पर एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी और मुझे मिला हुआ है अपना टास्क कंप्लीट करने का, 5 डेड बॉडी रिपोर्ट करने की। तो मैंने यहाँ पर डेड बॉडी रिपोर्ट कर दिया, मैंने एक साथ 3 डेड बॉडी रिपोर्ट करी है, देखो मेरा टैलेंट। क्या जोक मारा भाई, मजा आ गया भाई। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ माइक खोलकर, तो देखो भाई सुनो भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ना इम्पोस्टर पता, ना मुझे इम्पोस्टर से मतलब, ना मुझे स्पेस क्रू से मतलब। यहाँ पर मुझे मैं अपने टास्क कंप्लीट करना है, मुझे 5 बॉडियों को रिपोर्ट करनी थी, उसमें से मैंने एक बॉडी रिपोर्ट कर दी है रैंक में आके। तो मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जिसको निकालना है तुम निकाल सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तो यहाँ पर येल्लो के पास माइक गया, देखते हैं येल्लो क्या बोलता है। क्या भाई तू जाके भाई क्या बोलता है रैंक मैच में कर ना, तू रैंक मैच में आकर क्यों कर रहा है बॉडी को रिपोर्ट, नल्लक की मर्जी जी, मेरी मर्जी अनवर भाई सही का। अबे निकाल के फेंको इसको, नहीं तो अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी ना अभी बदत है भाई। एक तो बाउंटी हंटर गेम पे साले ऐसे ही निकाल देगा भाई तेरे सबको, एक डॉक्टर है भाई वो ही बचा सकता है, ये ऊपर से बॉडी रिपोर्ट कर रहा है। अबे जाके भाई अनरैंक मैच पर करना भाई, रैंक मैच पे क्यों कर रहा है बकचोदी ये सब। डॉक्टर कौन है, डॉक्टर मेरे साथ रहो ठीक है, डॉक्टर मेरे साथ रहे, मैं शेरिफ हूँ, मैं किसी पे ट्रायल लूंगा तो मेरे को रेप कर दियो अगर मैं मर गया तो, और अगर वो मर गया तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा। वाइट अपना सेव बंदा है ठीक है, वाइट इलेक्ट्रिक में था, लगता है गोल्डेट अपना स्वाइपर है, तो बचा है येलो। हाँ दो शरीफ आता है, दो शरीफ आता है ठीक है, दो शरीफ आता है और एक शरीफ कहने बोल सयान ना पर्पल, येलो और ब्लू के ऊपर मुझे शक है अभी। तो देखा आप लोगों ने, जब हम शराफत से गेम खेलते हैं तो येलो जैसे लोग हमें बहुत कुछ बोलकर चले जाते हैं, लेकिन हम इनको कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि यार हमें गेम के गाइडलाइंस पता है कि हमें गाली वाली नहीं बकनी बिल्कुल भी। तो बस इनसे प्यार से कह दो भाई जो हो सकता है तेरे से कर ले, तुझे गेम से निकालना है तू निकाल, कुछ भी कर, मुझे स्वाइप, मैंने देखो जैसे मुझे स्वाइपर मार लिया सबने, तो मैं करता हूँ यहाँ पर येलो को वोट आउट करने की मांग।
तो सुनो भाइयों, सीधे सुनो सुनो आ गया मेरे पास, सुनो सुनो भाइयों, सीधे सीधे करो ये येल्लो को वोट आउट, क्योंकि मुझे पता चल गया येल्लो अपना बाउंटी हंटर है, क्योंकि येल्लो इतनी गंदी तरह खिलसा है मेरे एक रिपोर्ट करने से, जितनी गंदी तरह कोई नहीं खिलसा, तो सीधे सीधे येल्लो को निकालो गेम से, मैं स्वाइप कर कर दिखाऊंगा तुम्हें। तो यहाँ पर मैंने किया सबसे कि येल्लो को वोट करो, मैं स्वाइप कर दूंगा, मैं स्वाइपर हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। लोग पूछेंगे क्यों करा, क्यों नहीं करा तूने स्वाइप, तो मैं कह दूंगा मैं हूँ अपना बैकस्टेबर। यहाँ पर हमने करवा दिया है येल्लो को वोट आउट। क्या किया था मैं, क्या किया था भाई, बंदे बाउंटी बने तो क्लस्ते बंदे इतनी गंदी तरह किल्सा है, मैं साथ साले साथ देता तेरा अगर तू मेरे से क्लस्ता नहीं। मैं खुद चाह रही था मैं पोस्टर के साथ बैक स्टैबिंग कर जीतूं, लेकिन नहीं बै, बस पंगे लेना मेरे से। लो पंगे, देखो हमने निकलवा दिया यहाँ पर बाउंटी हंटर को तो गेम से, और यहाँ पर हम थोड़ा सा डांस कर बढ़ते हैं आगे। तुम सोचते हो मैं बीच बीच में डांस क्यों करता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गेम खत्म कर देते हैं यार लोग। तो यहाँ पर पर्पल ने मार दिया है अपने दूसरे इम्पोस्टर को, लेकिन इम्पोस्टर मर चुका है, तो दोनों इम्पोस्टर निकल गए इस गेम से, और ये गेम खत्म हो चुका है यहीं पर। तो भाई देख ले अपने बाप से पंगा लेने का अंजाम, मत लिया करो अपने बाप से पंगा, ठीक है। ऐसे उल्टे सीधे किसी को वोट आउट मत करवाया करो, आप लोग भी ध्यान रखो ऐसे किसी को वोट आउट नहीं करवाते, वरना इस जैसा हाल होता है। तो अब चलता है हम अपने बकचोदी बंद कर कर दूसरे गेम प्ले की ओर। तो यहाँ पर हमारा लग चुका है अपना दूसरा सियारा गेम, जिसमें हम लगा कर आए अपने हिप्नोटिस्ट का कार्ड। तो इससे पहले मेरे साथ जो हुआ है मैं आप लोगों को बताना नहीं चाह रही कि मैं उससे पहले भी बना था अपना हिप्नोटिस्ट, जिसमें मैं बहुत अच्छी तरह जीता था भाई, बहुत दिमाग से खेला था मैंने हिप्नोटिस्ट से, लेकिन बस दिक्कत ये हो गई मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। आई मीन भूल क्या गया था, मैं यही भूल गया था मैं गेम प्ले निकालने आया हूँ। मैंने अपना कार्ड लिया हिप्नोटिस्ट का और उड़ा दिया गेम, ये सब मैं भूल गया, लेकिन यहाँ पर मैंने किया कोई नहीं, कार्ड की कमी नहीं, गेम प्ले का दिन है, तो निकाल देते हैं हम दोबारा चलते हैं हिप्नोटिस्ट। बन कितना मुश्किल है हिप्नोटिस्ट से जीतना भाई, दो मिनट का काम है, ऐसे गेरे किसी को मैं मिनियन बना दूंगा अपना, ये वो अकेला मार देगा सबको, मेरी ज़रूरत ही नहीं। और यहाँ पर हमारा आया न्यू मैप मैजिक कासल, मैं इस मैप से खेला नहीं हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आता ये मैप कहाँ कहाँ जाता है, पता नहीं। यहाँ पर एक रिएक्टर का पता नहीं कौन सा से बोटाज चल लिया है, जिसमें टाइमर 30 सेकंड का बचा है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे बीच अपना मिनियन बना दिया है पर्पल को, क्योंकि मुझे पर्पल अपना इम्पोस्टर लग रहा है। तो यहाँ पर अपने सियार भाई ने कर दी है मिट बॉडी की रिपोर्ट, तो देखते हैं क्या होता है मीटिंग में। यहाँ पर हमारे सियान भाई ने मुंह खोलते ही किया कि ब्लू को निकालो, लेकिन व्हाइट जैक को एक कीड़ा काटा कि मैं ब्लू को गैस लूंगा, और इस मीटिंग में हमारे व्हाइट जैक भी मर चुका और हमने ब्लू को भी वोट आउट कर दिया है। तो चलो चलते हैं हम अपने कील की ओर। पहली कील मैं हिप्नोटिस से करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले थोड़ा सा मैं डांस करूँ, क्योंकि डांस करे बिना मैं गेम से हिलता नहीं हूँ। तुम लोग समझ सकते हो कितना मज़ा आता है एक डांस करने में और बकलोली पहनने में भाई गेम में। तुम मज़े के लिए खेलो गेम, तुम सीरियस मत लो इस गेम को, अगर किसी ने मुझे वोट आउट करा तो उसकी तुम सीरियस बिल्कुल भी मत होया करो गेम में भाई, प्यार प्यार बांटो, प्यार से खेलो, सब सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कोई वोट आउट कर रही है तो तुमको भाई कर दे भाई वोट आउट, कोई दिक्कत नहीं, तेरी खुशी है ना मुझे वोट आउट करने में, तू कर दे। चलो यहाँ पर हमारे रेड की माँ की यार बीच नहीं और ये साला बीच बीच में मीटिंग बुलाता रहता है, आराम कर, गेम नहीं खेलने देगा। मैंने स्किल ऑन कर ली भाई, ब्राउन मेरे सामने आ गया, उसने मेरा रूल चुराने की कोशिश करी और वो मर गया भाई, ब्राउन का लॉल हो चुका है, बेचारे ब्राउन का लॉल हो गया यार, बेचारे कार्टून के हार गया, सॉरी ब्राउन यार, सॉरी भाई, कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, होता है यार, क्या होता है, तुम लोग ऐसे काइटो लेते हो ना उसकी वजह से होता है सब कुछ, पता है क्या, वो रहने दो, गोल्डन और पर्पल अपने अपने रोल बताओ, चलो गोल्डन और पर्पल अपने रोल बताओ, माइक दो, रुक जरा दो मिनट रुक, तू भाई रोल बता, मैं तुम्हारा वेटरन हूँ, मैंने भी वेटरन ही लिया था, मैंने बोला काइटो आया तो मैं स्किल ऑन ही रखूंगा। चलो तो देख रहे हो आप लोग यहाँ पर ऐसे गद्दार पार्टनर मिलते हैं तो दिल चाहता है इनका खून कर दो। देख भाई सुन सियान भाई, तेरा गेम हो चुका है खत्म, क्योंकि मैंने तुझे अपनी स्काउटिंग से देख लिया है दूर से इवेंट करते हुए भाई, स्काउट जब आए ना तो गेम में वेंट वगैरह मत करा कर ब्रो, तो सीधा सीधा सियान को वोट आउट करो, मैंने सियान को करते हुए देखा है वेंट, और अपना सियान है अपना इम्पोस्टर या हिप्नोटिस्ट में से कोई एक, और पर्पल है उसका मिनियन। किस एंगल से मैंने भाई वेंट ही नहीं किया,
भाई मैं ठीक है, मैं वार्डन हूँ, मैं कस्टडी में लेके दिखा सकता हूँ, ठीक है, मैं किसी को भी कस्टडी में लेके दिखा सकता हूँ, बोलो किसे लेना है, ठीक है, मैं अभी कस्टडी में लेके दिखा सकता हूँ, इसे निकालो गोल्डन को, ठीक है, गोल्डन को निकाल, अबे भाई मैं वार्डन हूँ, गोल्डन को निकाल, वो झूठ बोल रहा है, वो सब तो ठीक है, इसको पता है कैसे चला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ यहाँ पे, खैर छोड़ो सुनते ही, और क्या क्या बोलता है भाई, स्काउट फेक रोल नहीं आता यार, तुम लोगों ने स्काउट को क्यों फेक समझ रखा है यार, स्काउट सब में बेहतरीन रोल है, एमवीपी बनने के लिए मैं हमेशा स्काउट ही बनता हूँ यार, केरियो में जाकर मेरी गेम की हिस्ट्री चेक कर, 10 गेम में मैं स्काउट ही बना हुआ, मैं उसके सिवा कुछ बनता ही नहीं हूँ भाई, ये लोग स्काउट की कदर ही नहीं करते, कल ही स्पेशल वीडियो लाऊंगा मैं सिर्फ स्काउट के ऊपर, क्या 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 मतलब मेरे पास गेम प्ले निकला हुआ स्काउट का, खैर छोड़ो यहाँ पर करो जल्दी जल्दी सियान को वोट आउट, और यहाँ पर मेरा गद्दार पार्टनर कह रही है कि गोल्डन को वोट आउट करो, क्योंकि मेरा है गद्दार पार्टनर, और मेरा गद्दार पार्टनर की माँ की आँख मारो, और यहाँ पर इन्होंने कर दिया है मेरे गद्दार पार्टनर को वोट आउट, अबे साले शेमड़े, सीधे सीधे सियान को वोट आउट करवाता और हम दोनों भाई मिलकर ये गेम जीत जाते, लेकिन मुझे लग रही है मैंने इसकी दिलसा दी है, बड़ी गंदी कर गई है, था अपना इम्पोस्टर, तो खैर छोड़ो मैं कैसी गलियों में आ चुका हूँ सुपर सस की, जहाँ पर घर में कोई गेट नहीं है भाई, कैसे प्यारे प्यारे घर हैं अपने मैजिक कासल में, लेकिन हम यहाँ पर वेंट माले के अंदर कौन वेंट करता है बे, खैर छोड़ो यहाँ पर हम जल्दी से गेम ख़त्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर येल्लो ने मीटिंग बुला दी है, तो भाई ये मीटिंग में करता हूँ स्केप, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी वाली होने वाली है, तो भाई रैंक के लिए बेस्ट रोल अपना हिप्नोटिस है नहीं, तुम लोग हिप्नोटिस बिल्कुल भी मत चुनना, ये इतनी गंदी बेइज्जती कर गेम से निकालते हैं, क्या बताऊँ भाई, कह रहे स्काउट है तो लोकेशन बता भाई, कोई बात होती है स्काउट से लोकेशन पूछ, क्यों पूछता स्काउट से लोकेशन, बस कह दिया स्काउट ने वेंट करा तो वेंट करा भाई, निकाल दो सीधे सीधे, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे मुझे वोट आउट करवा दिया, खैर छोड़ो अब हम चलते हैं अपने बेस्ट रोल की ओर, जो है अपना काइटो, तो यहाँ पर हम पहुंच चुके अपने तीसरे गेम की ओर, जिसमें हम बनेंगे अपना काइटो, तो भाई काइटो से अच्छा कोई रोल नहीं है, सब कह दो भाई काइटो इज द बेस्ट, काइटो इज द बेस्ट, काइटो इज द बेस्ट, क्या मतलब मैं काइटो से एक भी बार नहीं जीता, क्या मतलब काइटो से मैं कभी वाइट जेक नहीं बन पाया, क्या मतलब मैं कायतों से कभी बाउंटी हंटर नहीं बन पाया, क्या मतलब मैं कायतों से कभी एम्प्रेस नहीं बन पाया, मैं ना इम्पोस्टर बन पाया आज तक कायतों से, मैं आज तक एक भी इम्पोस्टर नहीं बना गाइस, कितने दुख बड़ी बात है, यहाँ पर चलो हम चलते हैं अपने कायतों से रोल लेते हैं, मैं सोच रही हूँ आज मैं लूँगा इम्पोस्टर का रोल, देखते हैं कौन से इम्पोस्टर मुझे अपना रोल देता है, कायतो बेस्ट बेस्ट बेस्ट, चलो वो जो पीछे हुआ है वो सब आप भूल जाओ, तो हम दोबारा से चलते हैं गेम में और बनता है दोबारा से काइटो, वो जो पीछे है ना वो बिल्कुल भूल जाना, कोई याद नहीं रखेगा कि पीछे क्या हुआ है मेरे साथ, यार छोड़ो यहाँ पर हमें सुपर सस ने बना दिया है दोबारा काइटो, तो देखो भाई हम इससे लेंगे अपना बाउंटी हंटर रोल, भाई बाउंटी हंटर के बिना काइटो बनने में मजा ही नहीं आता भाई, काइटो बनो सीधा बाउंटी हंटर बनेंगे भाई, हम तो देखते हैं बाउंटी हंटर बनकर कैसे, आज मुझे बाउंड हटा तो गेम ने बाउंड हंटर ही नहीं गेम दिया गेम में, बढ़िया है भाई बढ़िया है भाई, गेम भी मेरी बात नहीं सुनता, खैर छोड़ो यहाँ पर हम थोड़ा सा घूमते पर्पल, भाई मेरे पीछे मत आओ यार, रोने लग जाओगे तुम अगर मैंने अपना काम कर दिया, रोना मत बाद में अगर मैंने अपना काम करा, पर्पल बता रही हूँ मैं कसम से कह रही हूँ, रोइयो मत रोइयो मत रोइयो मत, जा अब रो तू, ना विट्रेन दादा थे, अब स्नाइपर स्नाइपर एम लेगी स्नाइपर, लेकिन हम कर देते हैं अलर्ट मोड ऑन, क्योंकि हम बन चुके हैं यहाँ पर अपने वर्ल्ड विट्रन, यहाँ पर लेकिन मैं अब डेड बॉडी रिपोर्ट नहीं करने के मूड में हूँ, क्योंकि यहाँ पर है रैंक, मेरी रैंक का सवाल है, यहाँ पर पर्पल की बॉडी रिपोर्ट हुई है, तो चलो देखते हैं मीटिंग स्किप करते हैं, क्योंकि देखने का मन नहीं है, वीडियो वैसे लंबी हो गई है, तो इस मीटिंग में यहाँ पर इन लोगों ने कर दिया पर्पल को वोट आउट, ये नहीं पता क्यों कर रहा है भाई, गलत बात है, ऐसे टुकड़े मत लगाया करो, खैर छोड़ो मुझे क्या, मैं तो अपना कायतो था और यहाँ पर अपना विट्रन बन चुका हूँ, मुझे ना किसी का बाप मार सकता ना किसी की माँ मार सकती, ना कायतो मेरे से मेरा रोल ले सकता, क्योंकि हमें अपना विट्रन दादा से कोई जो मार रहा था विट्रन दादा उसकी बंदूक घुसा देता है, और जहाँ घुसाते हैं वो आपको पता ही है कहाँ घुसाते हैं विट्रन दादा, और यहाँ पर दिया इम्पोस्टर ने अपना सैबोटाज, तो भाई मुझे किसी के बाप की दर्दी नहीं है, मैं जाकर फिक्स करवाऊंगा सैबोटाज, चल बे भूतनी के पीछे यहाँ से, मैं जाता अपने सैबोटाज फिक्स करवाने, तुम लोग क्यों खड़े हो यहाँ पर, उन लोगों ने करी अपने रोल की अदला बदली, ऐसा मुझे दूर से ही पता लग गया, खैर छोड़ो यहाँ पर सियान ने अपनी मीटिंग बुला दी है, देखते हैं सियान क्या नहीं बोलता, आपको लग रही है इस मीटिंग में किसी को नहीं निकाला तो ऐसा गलत है, किसी को निकाला नहीं, लेकिन ब्लैक जैक को मरवा दिया इन
नहीं ब्लैक जैक को नहीं, इन लोगों ने मरवा दिए कायतोस को। ब्लैक जैक से किया गैस ले ले कायतो को। भाई मैं इतना शरीफ बंदा हूँ, मैंने ये नहीं किया कि पिंग अपना कायतो इसको गैस ले ले वाइट जैक या ब्लैक जैक, मैं किसी को नहीं कहता भाई। उसका अपना गेम है, वो हो सकता है किसी से रोल लेकर अपने आप बच जाए, लेकिन यार कोई सुनता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर उसने पिंग ने किया, मैंने वाइट से रोल ले लिया, वाइट कायतो है और ब्लैक जैक ने बहुत बुरा कला उसके साथ। भाई माँ कसम इतना बुरा करा है ना ब्लैक जैक ने, ब्लैक जैक के साथ कोई ऐसा करे ना जब पता लगे ब्लैक जैक को। खैर छोड़ो, यहाँ पर सारे अपने बंदे मैं कर लेता हूँ अलर्ट मोड ऑन, कोई ना आकर मुझे मार दे या खा ले मुझे, क्योंकि ये मैं अपना किलो तो नहीं भी। यहाँ पर चलो सब सिक्योरिटी में जा रहे हैं, हम भी चलकर जाते हैं सिक्योरिटी में और थोड़े से दो चार ढूंढ के लगाते हैं जो हमारा काम नहीं है खेत, लेकिन जब भी हम कर रहे हैं। और यहाँ पर बुला दिए पिंक नेम में टैंक। खैर यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया अपने ग्रीन दादा को वोट आउट गेम से, क्योंकि ग्रीन दादा थे अपने ब्लैक जैक, इन्होंने कायतो को गैस लिया। तो मैंने क्या भाई भाई नहीं नहीं रोकने इनको गेम में, भाई बहुत गलत बंदे हैं ये, बहुत ही ज़्यादा जहर बंदे हैं, इन्होंने कायतो को गैस कैसे ले लिया। कायतो इतना बेहतरीन रोल है अपना, उसको गैस लेकर इनको भी हमने वोट आउट करवा दिया। और यहाँ पर मुझे अपना ग्लूटोनी पर रेड लग रही है, क्योंकि अपना ग्लूटोनी मुझे रेड लग रही है। तो चलो चलते हैं हम फिर से इलेक्ट्रिकल में, किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझे खा ले, क्योंकि मैं हूँ अपना विटन दादा, किसी के बाप में दम नहीं है मुझे खाली। वैसे तुम लोग वेटरन का गेम प्ले देखना चाहोगे तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वेटरन का गेम प्ले भी ले आऊँगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, वन के हम बहुत ही ज़्यादा करीब है। और यहाँ पर इसी के बीच पिंग ने बिठा दिया मीटिंग, भाई बोलने दिया कर, भीख मांगने दिया कर। खैर छोड़ो, यहाँ पर पिंग ने बुला दिया मीटिंग, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हमने करवा दिया यहाँ पर रेड को वोट आउट, क्योंकि रेड है अपना ग्लूटोनी। और इसी के साथ ये गेम होता है यहीं पर समाप्त। तो मैं लेता हूँ आप सभी से बिनती, इसी के साथ मैं चलता हूँ यहाँ से, आप सभी से लेता हूँ मैं इजाज़त। तो चैनल पर नहीं हो यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑटो भी तो सही से नहीं बोल रहा। तो चलो गाइस यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो कर देना वीडियो को लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे कभी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1K के बहुत ज़्यादा करीब है तो 1K भी करवा दो जल्दी।